यू वर्ल्ड। आज जितने भी हॉल के प्रोडक्ट्स थे मैं उसके फर्स्ट रिव्यू और फर्स्ट जो मेकअप लुक है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये मेकअप लुक है हमारी जो आगमनी शूट है उसकी मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रही है और व्लॉग भी चल रही है, हम लोगों को जाना भी है, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन प्राइमर और इसका प्राइस है 300 रुपीज़। ऑनलाइन में आपको डिस्काउंट मिलता ही रहता है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस मुझे फील नहीं हो रही है। ओके, सिलिकॉन बेस्ड है। मैं मेरी टी जोन एरिया पे इसको लगाऊंगी। वाओ, दिस इज जस्ट ऑसम। इतना अच्छे से ग्लाइड हो रही है ना स्किन के ऊपर। प्राइमर वहां पे ही हम लोग यूज करते हैं जहां पे ज्यादा ड्राईनेस फील होती है या तो ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है स्किन। ओके, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मेरे पास है मेबलिन फिट मी का ये फाउंडेशन, सबको पता ही होगा। मेरा शेड है 128 वार्म न्यूट और ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब एकदम मैट फिनिश देता है। मेरा जो न्यू ब्रश है मैं उसको देखिए ये अप्लाई करूंगी। ब्रश भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है। पर मेरी मिरर किधर है? मिरर ओ नो, मेरी जो फर्स्ट इम्प्रेशन है बहुत ही ज़्यादा गंदा है क्योंकि इसका जो ब्रिसल्स है ये ओपन हो जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। नो वे, इससे नहीं हो रहा है। मैं दिखने में भूत लग रही हूँ पर ऐसा लगेगा नहीं कुछ देर बाद। ब्रश अच्छा नहीं था तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। पर मेरी नेक एरिया खाली है, मुझे नेक में भी अप्लाई करना है। एक्चुअली जब मेकअप करते हैं तो हम लोग नेक को भूल जाते हैं, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम नेक पे भी अप्लाई करें, नहीं तो फेस का कलर और नेक का कलर टोटली डिफरेंट लगेगा। तो मेरी फाउंडेशन कंप्लीट है, मैं लग रही हूँ भूत जैसी पर ऐसा लगेगा नहीं कुछ देर बाद क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाएगा स्किन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर और मेरे पास है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। इसका जो शेड है वो है सेंड सेबल। मैंने इसका इतना रिव्यू देखा है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये थोड़ा सा हाइलाइटिंग शेड है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा ठीक है। जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट की ज़रूरत है मैं वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं क्या है। लग तो रहा है कि अच्छा ही होगा, थोड़ा सा येलो टिंट में है। जो भी प्रोडक्ट आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, नहीं ब्लेंडिंग, नहीं तो ये पैच ही लग सकता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही वाइट है मेरे लिए, बट प्रोडक्ट इज ऑसम। हाय राम मेरी चेहरा, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भूत बन गई हूँ पर ऐसा नहीं है। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब ठीक ही लगेगा। फिर मैं मेरी कॉम्पैक्ट को सेट कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से। आई होप कि ये ब्रश काम करे। कॉम्पैक्ट से मैं पूरा जो मेकअप है उसको सेट कर लूंगी। हाय राम, ज्यादा वाइट लग रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। सारे मेकअप प्रोडक्ट मेरी स्किन के अकॉर्डिंग की है। आई थिंक लाइट का कुछ गड़बड़ है। और मेरी एक आदत है ऐसे करना और इससे मेरी जो मेकअप है ना वो खराब हो जाती है।
फेस कंप्लीट है, इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे। अभी मैं मेरी आईब्रो फिल करूँगी, पर कोई भी आईब्रो किट नहीं है मेरे पास, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मतलब है इसमें नहीं है नए में, तो मैं क्या करूँगी। तो मेरे पास जो मॉर्फी वाला पैलेट है मैं वहाँ ये वाला कलर ले रही हूँ और इससे मैं मेरी आईब्रो को फिल कर लूँगी फटाफट, बहुत ही हल्के हाथों करूँगी क्योंकि ये ना थोड़ा सा पाउडरी है। आईब्रो के बिना पूरा जो मेकअप है ना एकदम फीका हो जाती है। आईब्रो इज डन, नेक्स्ट मैं आई मेकअप कर लेती हूँ फटाफट से, फटाफट फटाफट झटपट, पर मुझे लग रहा है ये पाउडरी है, क्या करें। ये जो मॉर्फी का पैलेट है ना ये थोड़ा सा पाउडरी है, तो मैं इससे ही थोड़ा सा पाउडर मेरी अंडर आई में देके रखती हूँ। यहाँ पे लूज़ पाउडर होना चाहिए था पर मेरे पास लैक्मे का है, पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। तो मैं सारे न्यू ब्रश ही आई ब्रश के जितने भी न्यू हैं उसको ही यूज़ करूँगी, आई होप ये काम करें। काफ़ी आई ब्रश ले रही हूँ और मैं मेरी ट्रांजिशन कलर इसको बना रही हूँ, पाउडरी है बहुत ही ज़्यादा, बट आई होप कि इसकी क्वालिटी अमेजिंग हो। और यस, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है। अगर आप लेने की सोच रहे हो तो इसको थोड़ा सा गौर से देखो, ये वाले शेड को, ये बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है, बहुत ही ज़्यादा पाउडरी। मैं ट्रांजिशन कलर इसको ले रही हूँ और बाहर की वेदर देख के लग रहा है कि बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो गई हम लोग काम से। इसका जो कलर है ना इसको आप बिल्डअप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेड कलर क्योंकि साड़ी ऑफ कोर्स रेड है। नाइस पिगमेंटेड या पता नहीं कैमरे में ले रहे हैं या नहीं, मैं ये ब्रश चेंज कर रही हूँ, मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इससे शायद सही से हो। मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, मैं इसी ब्रश को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ये ऑरेंजिश जो शेड है ना, जब मैं मेकअप करती हूँ मेरी फेस ऐसा होता है, आप लोगों को होता है? अगर होता है तो कमेंट कीजिए। देखिए अभी मैं इसको ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा था कि मैं इसके एक इनडेप्थ रिव्यू वाला वीडियो करूं पर मुझे लगता नहीं है कि मुझे करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें ही मैं बता सकती हूं, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस। हाय राम, कुछ कलर तो नहीं आ रहे हैं। हाय कुछ कलर आ ही नहीं रही है ब्रश पे, क्या किया जाता है। ये ब्राउन कलर पिक ही नहीं हो रही है, मैं कब से इसको ऐसे ऐसे, आप लोग देखिए नहीं आ रहा, क्या किया रहे? जितना थोड़ा थोड़ा आया है मैं उसको ही थोड़ा सा, कलर ही नहीं आया, नहीं ये अलग आ रहे। ओके आई मेकअप डन, मैं यहाँ से ही एक कॉन्टूर शेड ले रही हूँ। आई एम लुक लाइक ए चुड़ैल, थोड़ा सा स्लिम हो जाता है चेहरा। ब्रश कुछ खास अच्छा नहीं है, मुझे बेसिकली पसंद नहीं आई, आपको दिखाई दे रहा है बड़ा पिगमेंटेड है। मैंने जैसा गलत काम किया आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ब्लेंड होना ज़रूरी है। मैंने उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँगी, कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही लाल लाल हो गई हूँ। मेरे पास दो ब्लश पैलेट है, मैं इसको यूज़ करूँगी मार्स वाला क्योंकि यहाँ पे एक शिमरी शेड है जो मुझे बड़ा पसंद आया था, मेरी हॉल वीडियो में मैंने दिखाया भी था।
यहाँ पे जो शिमर शेड है ना, जस्ट ऑसम। मैं ब्राउज को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको दी। वाओ, इट्स बॉम। ऑसम ऑसम, जस्ट ऑसम, सीरियसली ऑसम। मैं इससे थोड़ा सा इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूंगी। ओके, अब ब्लश की बारी है। मैं कोरल कलर चाह रही हूँ। ओह, मैं यहाँ से ये पीच वाला कलर ले रही हूँ। हाय राम, कैमरा में दिखा नहीं है, दिख नहीं रही है, और ओरिजिनल में बहुत ही ज़्यादा ब्लश आ गई है। क्या करें, आपके साथ ऐसा होता है, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ब्लश कभी ज़्यादा हो जाए ना, तो पाउडर की हेल्प से उसको सेट कर सकते हैं। ब्लश कुछ अच्छा नहीं है ये मार्स वाली। मेबलिन का है, छोटू मोनू टीनी विनी सा। मेबलिन के सारे प्रोडक्ट्स ही मुझे बड़ा पसंद है। सबसे पसंद क्या है पता है, इसका जो टिप है ना, बहुत ज़्यादा शार्प है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आईलाइनर में। आज मेरी सारी गड़बड़ हो रही है। सॉरी गाइज, इसके बाद जितने भी फुटेज थी, आईलैश, काजल, लिपस्टिक, वो सारे फुटेज अनफॉर्चुनेटली गलती से डिलीट हो गई है, सॉरी। और ये रही मेरी फाइनल मेकअप लुक। आई होप ये मेकअप लुक आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलिए। अभी फिलहाल ब्लॉग के लिए लेट हो रही है, तो फटाफट हम लोग चले जा रहे हैं। और अगर बात है सिंदूर की, तो मैं दिखा दे रही हूँ, ये सिंदूर नहीं है, ये गुलाल है। मैं कोई भी रिचुअल्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ये एक गुलाल है और फोटोशूट के लिए जरूरी था, क्योंकि माँ दुर्गा भी पहनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।